कि हाँ वो देखो ओ शूट कड़क है 7200 नहीं है क्या अपने पास है ना अच्छा मिला देखते मिला तो भाई अच्छा ही रहे बड़ा था क्या बहुत बड़ा अरे कितने बड़े थे दोनों भी हाँ? किधर गए थे अपन बोगमालो लेक जहाँ पे गए थे ना सेम वैसे ही थे आज हमारा लास्ट डे है गोवा में और आज हम लोग सिर्फ दो ही लोकेशन करने वाले हैं पहला अगवाड़ा फोर्ट और दूसरा रेस मागुस फोर्ट और अगर पॉसिबल रहेगा तो कलंगुट में दो तीन अच्छे चर्चेज है तो हम लोग वो कवर करने का ट्राई करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगवाड़ा फोर्ट का जो रास्ता है वहाँ से गुजरते टाइम आपको मोर दिखते हैं और हम लोगों को भी दिखे और हम लोगों को शायद से चार मोर दिखे सिनेमैटिक वीडियो के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और उनको डर लगता रहेगा ना उनको लगता रहेगा कि ये लोग कैच करने वाले या फिर पकड़ने वाले ऐसा कुछ रहेगा तो और सही था बे दोनों भी मोर से आओ गाड़ी से उतरा ना कैसा चल रहा है मतलब मोर है सामने कौन सागर अरे आवाज आला था अरे तो आवाज नहीं आने के लिए ऐसा चलने का रहता है तू तो अभी समर अराउंड 8:15 हुआ है तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं और ड्रोन हम लोग यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हेलीपैड है और ए उसको क्या बोलते हैं वो ट्रैफिक वाले को हम लोग यहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ATC है और वो तुरंत ही कैच कर लेगा कि यहाँ पे ड्रोन फ्लाई हुआ है कैच कर लेगा कि वो पता नहीं पर मोस्टली कैच हो सकता है रिस्क है रिस्क है रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है तो हम लोग वो नहीं करें प्लस ये प्रोटेक्टेड साइट है अगवाड़ा फोर्ट तो वो डबल रिस्क हो जाता है इसलिए हम लोग यहाँ पर ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाएंगे एक सजेशन है मेरे पास आपके लिए पूरा ओपन फोर्ट है कुछ भी शेड नहीं है यहाँ पे तो आपको बहुत धूप लगेगा मेरा ये सजेशन है कि आप शाम को आइए या फिर अर्ली मॉर्निंग आइए गाइस अभी हम लोग अगवाड़ा फोर्ट के अंदर है और मेरे पीछे एग्जैक्टली आपको लाइट हाउस दिख रहा होगा ये जो बेसिकली फोर्ट जो बनाया गया था वो 1600s में बनाया था ये बनाने का पर्पस ये था कि जो भी शिप्स आ रहे हैं उनको पानी देने के लिए ये फोर्ट बनाया गया था और इसके दो पार्ट से एक नीचे का पार्ट है और एक ऊपर का पार्ट है अभी जो हम लोग हैं वो ऊपर के पार्ट पे है नीचे का पार्ट उन्होंने फिलहाल बंद कर दिया है अभी सिर्फ 9 बजे है फिर भी फोर्ट पूरा टूरिस्ट से भर गया है साइड पे पूरा सी व्यू है और आई गेस ये कलंगुट या फिर कांदोलिम बीच है फोर्ट के एग्जैक्टली सामने कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ पे आपको नींबू पानी या फिर ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी कुछ मिलता है तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे रेस मागुस फोर्ट जो हम लोग का लास्ट लोकेशन ऑफ द डे है और लास्ट लोकेशन ऑफ द ट्रिप है सेंट्रल जेल में आए जो एक ज़माने में सेंट्रल जेल हुआ करता था अभी वो अबैंडन कर दिया है मेरे पीछे एग्जैक्टली उसका गेट है अंदर एंट्री अलाउड नहीं है अभी भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड साइट है हम लोग सेंट्रल जेल अगवाड़ा से निकले थे रेस मागुस फोर्ट जाने के लिए और ऑन द वे हम लोग को एक बैक वाटर्स दिखा गाइस हम लोग रेस मागुस फोर्ट पहुंच चुके हैं मेरे एग्जैक्टली पीछे रेस मागुस फोर्ट है और उसका एंट्रेंस है फोर्ट बहुत ही बड़ा है बट एक बैड न्यूज़ है हम लोग फोर्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी चार्जेबल है वीडियोग्राफी के लिए पर कैमरा हम लोगों को 10,000 rupees चार्ज करना पड़ेगा वो भी पर्सनल यूज़ के लिए ही सिर्फ हम लोग कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते वो फोर्ट के अंदर तो नहीं जा पाएंगे बट हम लोग फोर्ट के एग्जैक्टली पास में एक चर्च है वो भी काफ़ी सीनिक है हम लोग वो कवर कर रहे हैं फोर्ट का जो टाइमिंग है वो 9:30 AM से लेके 5 PM है एंट्री फी 50 rupees है बट अगर आप स्टूडेंट हो कॉलेज के या फिर स्कूल के तो आप आई कार्ड अपना कैरी कीजिए टूरिस्ट लोगों को 50 rupees टिकट है स्टूडेंट को 25 rupees है
मेरे पीछे जो आपको चर्च दिख रहा है वो रीस मागोस चर्च है जो के बंद है अभी। अभी हम लोग आए हैं लंच करने मेरी फेवरेट जगह पे जहाँ का बिरयानी बहुत अच्छा है, स्पेशली चिकन बिरयानी और प्रॉन्स बिरयानी। होटल का नाम और उसका कॉस्ट जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, अगर आप कालंगुट आते हो या बागा आते हो तो इन्फेंट एरिया मस्ट है। यहाँ का फूड बहुत सही है और यहाँ का स्पेशली पेस्ट्रीज, यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है और यहाँ का पेस्ट्री भी बहुत अच्छा है, तो आप इन्फेंट एरिया ज़रूर आइए। पीछे माय द दियूस चर्च है। मैं जब भी फर्स्ट टाइम गोवा आई थी तब हम लोग सालीगांव में रुके थे, चार दिन रुके थे और मुझे चारों दिन ये चर्च दिखता था, बट मैं एक भी बार नहीं जा पाई क्योंकि जब भी हम लोग रिटर्न आ रहे होते थे तब भी रात हो चुकी रहती थी और ये चर्च बंद हो चुका रहता था। अभी भी बंद है बट मैं पहली बार ये कॉम्प्लेक्स में आ रही हूँ। आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अलग है, मुझे ये चर्च बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। और हम लोगों ने इसका ड्रोन फुटेज भी लिया है और ड्रोन फुटेज आपको देखना रहेगा तो सिनेमेटिक वीडियो पे क्लिक कीजिए। कलंगुट आ रहे हो तो हार्डली कुछ किलोमीटर्स दूर है तो आप ये चर्च ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत अच्छा चर्च है। लास्ट डे भी कंप्लीट हो चुका है, कल अभी हम लोग निकलेंगे मॉर्निंग में अराउंड 5 या 6 बजे के आसपास, डिपेंड करता है सब लोगों की नींद कैसी हुई क्योंकि हम लोग को ड्राइव करना है और 16 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लगेगा हम लोग को मुंबई पहुंचने के लिए। हम लोग आए थे NH 48 से जो पुणे कोल्हापुर होके आता है, अभी हम लोग जाने वाले हैं NH 17 से जो कोंकण से होके जाता है। आई होप कि ग्रीनरी भी रहेगा रास्ते में और काफ़ी सीनिक रहेगा, तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी हम लोग को थोड़े पार्ट्स उसके कवर करने मिले, तो वो जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसका भी ब्लॉग बनने वाला है। आपको ये ब्लॉग का सीरीज़ अच्छा लगा रहेगा तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपके और कुछ सजेशंस रहेंगे जिसमें और कुछ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर और कोई एडिशन्स होना चाहिए ब्लॉग में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़ में वो अप्लाई करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको आइटिनरी प्लान करके चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी उसके लिए। कल मिलते हैं, कल लास्ट डे है, बाय बाय।